पर हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसानों के आंदोलन का आज 81वां दिन है। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि वो पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे और श्रद्धांजलि की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई टीवी स्क्रीन पर कुछ देर पहले। और इसी के साथ साथ किसानों ने ऐलान किया है कि 16 फरवरी को किसान छठ चौराम की जयंती मनाएंगे। कैंडल मार्च निकालने का भी किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है। इसी के साथ साथ एक और बड़ा ऐलान जो किसानों की तरफ से किया गया है वो ये है कि हम एकजुटता दिखाएंगे, एकजुटता का देश भर में संदेश देंगे और 18 फरवरी को रेल रोको अभियान भी हम लोग चलाएंगे। तो किसानों की तरफ से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई जो मैं आपको बताने जा रही हूं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा रही हूं, इंद्री से आ रही है बड़ी खबर। तो इंद्री में आज किसानों की महापंचायत होगी। महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे। आंदोलन को लेकर, आगामी रणनीति को लेकर के भी किसान चर्चा करेंगे इस महापंचायत में। तो महापंचायत हरियाणा के चरखी दादरी जींद कुरुक्षेत्र में अब तक हो चुकी और ऐसे में आज जो महापंचायत है वो इंद्री में होगी। तो आंदोलन को लेकर आगामी रणनीति भी किसान बनाएंगे। तो इंद्री में आज किसानों की महापंचायत है और पंचायत में हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे। आगामी क्या कुछ रणनीति रहेगी, कैसे इस आंदोलन को मजबूत किया जाना है, उस पर चर्चा। आज इंद्री में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और भारी संख्या में यहां पर किसान आज पहुंचने की उम्मीद है। लोग आने शुरू हो चुके हैं। लगभग 12 बजे जो है जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वही यहां पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये पूरा का पूरा ये सेट जो है इसमें जो है यह महापंचायत की जा रही है और यहाँ पर देख सकते हैं आपके किसान भी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं कि इधर लंगर की व्यवस्था की गई है, लंगर की व्यवस्था भी है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस महापंचायत में कौन कौन लोग आने वाले हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ कैसा किसान मौजूद हैं, किसान नेता हैं ओमपाल मढ़ान जी, इनसे पूछना चाहेंगे कि कौन कौन आज इसमें किसान सभा में है, किसान महापंचायत में राष्ट्रीय स्तर के नेता आएंगे और क्या संबोधित होगा और क्या आज मैसेज देना चाह रहे हैं। जी देखिए, आज जो इंद्री में एक किसानों का महाकुंभ होने जा रहा है इसमें हमारे राष्ट्रीय नेता महेंद्र सिंह टिकैत जी हैं, बलबीर सिंह राज्यवाल जी हैं, चौधरी युद्धवीर सिंह जी हैं और प्रदेशों के अध्यक्ष हैं जो किसान यूनियन के हैं, वो सब आपके सामने यहाँ आवेंगे और लोगों को इस बीजेपी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो ये 3 कृषि कानून लाए गए हैं इनके खिलाफ आप सबको संबोधित करेंगे। इन्हीं वजह से जो किसान घर बैठा है, जो खेत से और घर तक का काम कर रहा है, वो सब आज इस पंचायत में आकर वो सारी बातें सुनेंगे। देखिए, इस किसान पंचायत में जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं राकेश टिकैत जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, रतन मान जी और पंजाब से हमारे जो है राज्यवाल जी, वो बलबीर राज्यवाल जी, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहीं पर युद्धवीर सिंह जी भी इसमें आने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कितनी बड़ी ये महापंचायत होगी। किसान नेताओं का दावा है कि यह महापंचायत जो है पूरे उत्तरी हरियाणा की आज तक इतनी बड़ी ना तो कहीं यहाँ पे राजनीतिक रैली हुई है, ना ही कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ है। ये पूरे रिकॉर्ड तोड़ेगी हरियाणा के, उत्तरी हरियाणा का। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय कंबोज। तो इंद्री में किसानों की आज महापंचायत होने जा रही है। ग्राउंड जीरो पर जनता टीवी मौजूद है, आपको पल पल की खबर से हम लोग अपडेट करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त की यही कि इंद्री में किसानों की महापंचायत होने जा रही है जिसमें हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे। आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय जुड़ चुके हैं। विजय, इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? विजय, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
पंचायत का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर भारी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ महापंचायत अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और हमारे जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है किसानों के वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और देख सकते हैं कि आप भारी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं और उधर इस साइड में लंगर लगाया गया वहाँ पर भी किसान मौजूद हैं और हमारे साथ किसान नेता है रामपाल चहल, उनसे बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और यह कार्यक्रम सुचारू रूप से किस समय शुरू हो जाएगा। जी देखिए अभी सभी भाई बहने लगी सभी अपने वाहनों से आ रहे बहुत उत्साह और अभी से नेता तो बहुत दूर है लेकिन अभी से कितनी भीड़ होगी तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा संख्या रहेगी। इस रैली की रिकॉर्ड तोड़ रहे आज महा पंचायतों का लंगर की व्यवस्था यहाँ है, पानी की यहाँ है, चाय की यहाँ है, किसी भी किस्म को जो स्टेज की व्यवस्था बनाई उसके लिए भी पास इशू कर रहे हैं, जो ऊपर बैठे हैं उनका अलग पास है, जो नीचे बैठे हैं उनका अलग पास है, एक पांच आदमी में क्वालिटी बना दी गई है, जिसको मंच मिलेगा वो क्वालिटी पास करेगी, क्वालिटी पास करेगी उसको मंच मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। कितने वॉलेंटियर लगाए गए हैं ताकि पूरी व्यवस्था सही रहे? वॉलेंटियर हमारे पास 300 है, हर गेट पर है, स्टेज के पास है, बैनों के पास है, पीछे लंगर पे है, पार्किंग में है, सभी जगह वॉलेंटियर पास है। देखिए ये थे हमारे साथ रामपाल चहल जी जो किसान नेता हैं, उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, 300 के लगभग वॉलंटियर यहाँ पर मौजूद हैं। जी बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी किसान बहुत दूर है, तो ऐसे में आप ये जानकारी दीजिए हमारे तमाम दर्शकों को कि इस महापंचायत में कौन कौन नेता शामिल होने वाले हैं। विजय, इस महापंचायत में कौन कौन से नेता शामिल होंगे? जिस तरह से पहले भी महापंचायत हुई थी उसमें किसान नेता राकेश टिकैत शामिल थे, गुरनाम सिंह चडूनी, तो आज की महापंचायत में जो इंद्री में होने जा रही है उसमें कौन कौन शामिल है? विजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंद्री में इस महापंचायत आज आयोजित होने जा रही है, जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, हजारों की संख्या में अभी ही किसान मौजूद है वहां पर और किसान नेता से भी हमने बातचीत की थी, जनता टीवी के ग्राउंड पर मौजूद है और वहां पर साफ तौर पर आपने देखा कि भारी संख्या में किसान मौजूद है और अब कुछ देर में महापंचायत शुरू होगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी आपकी ताकत है।